प्लेन टी शर्ट यहाँ पे भाई 70 रुपीज में आपको मिल जाएगी। एक लोगो लगा के देंगे उसमें, एक लोगो प्रिंट करके देंगे 70 रुपीज से लेके 350 तक जो है 350 तक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स फॉर वायर अध्याय। मैं तोमर भाई, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। तो चलिए, एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बहुत ही खास जगह आए हैं जो कि जानी जाती है स्पोर्ट्स के लिए, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आज मेरठ सिटी की। तो भाई मेरठ सिटी में आ गया हूँ जो कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये अब स्पोर्ट्स के हर सामान जो है मेरठ में ही मिलता है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी यहाँ से बैट लेके जाते हैं, लेकिन आज मैं जो है बैट की उस पर नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ स्पोर्ट्स वियर, एक कंपनी, एक फैक्ट्री है स्पोर्ट्स वियर की। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती है। और काफ़ी बड़ी, काफ़ी पुरानी जो है फैक्ट्री हो गई है, तो आज हम इस फैक्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं अंदर। पहले मैं बाहर का लुक आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो भाई इस रोड पे है ये फैक्ट्री और इसका नेम यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, अवनी तोमर स्पोर्ट्स कंपनी। ये देखिएगा नेम। तो ये गेट है भाई सामने, और ये देखिएगा ऊपर तक का ये बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है, तो ये बिल्डिंग है। मैं आपको पूरा एड्रेस भी बताऊंगा और रास्ता भी बता दूंगा कि कहाँ से आप कैसे आ सकते हैं मेरठ में, किस जगह पे है। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर क्या क्या चीज़ बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, और आप किस तरह के ऑर्डर यहाँ पर दे सकते हैं। तो सारी बातें इसी वीडियो में आज होने वाली है गाइस, तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। ये देखिए यहाँ से, सो गाइस हम आ गए हैं अंदर फैक्ट्री के। तो चलिए आपको दिखाएंगे भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ बनाई जाती है और कैसे तैयार किया जाता है सारी चीज़ें। तो देखिएगा ये आप एक फैक्ट्री का एक नज़ारा है, तो देख लीजिए पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो सभी कारीगर हैं उनकी एक यूनिफॉर्म भी है, देखिए, जो कि पंखा बंद करवाई, जो कि फैक्ट्री के मालिक ने जो है सभी को एक गिफ्ट किया है। टी शर्ट आप देख सकते हैं भाई, योगा दिवस क्योंकि बहुत नज़दीक है, तो ये देखिएगा योगा फॉर वुमेन एनवायरमेंट। देखिए भाई ये है मेरे साथ अंकुर तोमर है जो कि यहाँ के ओनर है भाई इस कंपनी के। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो यहाँ के बारे में बताएंगे भाई हमें सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ बनाई जाती है और कैसे तैयार किया जाता है और कहाँ कहाँ तक यहाँ से माल जो है सप्लाई होता है, तो सब कुछ जो है बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर। उधर देखो, थैंक यू अनुज तोमर जी, ये जो है हमारे पास आए हैं, हमारी फैक्ट्री में जो है विजिट की है इन्होंने। हमने पहले भी ब्लॉग बनाया था एक, आप देख सकते हो गूगल, वो यूट्यूब पे डाल के स्पोर्ट्स फैक्ट्री मेरठ, तो हमारी जो है वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। हमारी जो फैक्ट्री है आपको फिर भी दोबारा बता देते हैं, ये मेरठ के अंदर है, मेरठ में एक परतापुर एरिया पड़ता है, ये SG फैक्ट्री वगैरह जो इधर ही है परतापुर के एरिया में। तो हमारा जो प्रॉपर है वो शताब्दी नगर सेक्टर 5 है। मेरठ फैक्ट्री जो है स्पोर्ट्स वियर का काम करती है, उसकी ही हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। स्पोर्ट्स वियर में आपकी कबड्डी किट, फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी स्पोर्ट्स में जो भी खेल खेले जाते हैं उसके लिए हम जो है अपने वियर बनाते हैं, किट बनाते हैं, किट वगैरह बनाते हैं। उसमें हमारे यहाँ से होलसेलर भी लेके जाते हैं, लेके जाते हैं, दुकानदार भी लेके जाते हैं, आपके कोच वगैरह भी लेके जाते हैं, आपके स्कूल वगैरह भी लेके जाते हैं। डायरेक्ट भी हम अपना नंबर डाल देंगे, डायरेक्ट भी हम पे संपर्क कर सकते हैं। हाँ। जैसे स्पोर्ट्स में क्या होता है, क्रिकेट की किट चलती है, तो क्रिकेट की किट आप होलसेल में भी ले लो, और किसी को अपनी एकेडमी के लिए भी चाहिए ना, तो वो भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं, आपको रीजनल प्राइस में हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। बहुत सारी एकेडमी है मेरठ में आसपास में, तो एकेडमी के कोच भी यहाँ पे ऑर्डर देते हैं भाई, तो जिससे जो है मीन्स अलग अलग साइज की, तो जितने भी मतलब उसके पास बच्चे खेलने के लिए आते हैं उन सबके लिए बनवाते हैं। हाँ बनवाते हैं। फिर आपका जैसे IPL की टीम में जो भी कलरफुल ड्रेस चलती है ना, अब आजकल टूर्नामेंट होने लगी है, अब सीजन चलने वाला है टूर्नामेंट का, तो हम टूर्नामेंट की भी किट बनाते हैं, जिसमें क्या होता है 10-11 टीमें होती है, टूर्नामेंट कराती है, हर टीमों की अलग अलग किट होती है, टी शर्ट और लोअर जो हम अभी आपको दिखाएंगे। बताऊँ, बेंगलोर आपका, कोलकाता आपका, महाराष्ट्र, हम एक दिन में भी आपको डिलीवर करा देंगे बाई फ्लाइट। हाँ। उसका जो भी स्पेंड खर्चा आएगा वो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी बता देता हूँ मैं आपको, 120 पर केजी लगेगा, कितना भी अर्जेंट ऑर्डर हो वो भी हम बना के आपको दे देंगे। सब नहीं, फ्लाइट की सुविधा होनी चाहिए लेकिन आपके पास, अदरवाइज कोरियर से तो 2-3 दिन बाद पहुंच ही जाता है। बिल्कुल, यानी कि अलग अलग जगह पे भी यहाँ पे कोरियर से भी पहुँचा सकते हैं या फिर फ्लाइट से भी, यानी कि आप कहीं पे भी रहते हैं इंडिया में तो आपको हर जगह यहाँ से माल प्रोवाइड किया जा सकता है। ये देखिए भाई यहाँ किस तरह से काम होता है, तो अंकुर बताएगा इसके बारे में।
ये फोर थ्रेड होती है, ये फोर थ्रेड होती है, इससे ना सिलाई डबल पक्की हो जाती है, ठीक है, ठीक। ये होती है, ये भी आपकी फोर थ्रेड है, अभी ये दिखाऊं आपको, ये लास्टिक बनाती है, लास्टिक होती है ना टी शर्ट में, लोअर में। अच्छा, ये वाला बनाया जाता है, सही। और हमारे पास जो भी प्रोडक्ट, जो भी हमारे पास आइटम बनता है वो वेपो कंपनी का वर्धमान का ही हम धागा यूज करते हैं, कोई लोकल ब्रांड का हम कोई भी धागा यूज नहीं करते, हम ओनली वेपो का करते हैं, जिसमें तीन लेयर वाला धागा होता है। यहाँ का जो नजारा है, यहाँ पे जो वर्कर हैं दिन रात काम करते हैं, कल पूरी रात काम चला यहाँ पे, तो भाई क्योंकि ऑर्डर्स जो है इतने आते रहते हैं कि पूरी रात जो है करना पड़ता है वर्क सिलाई। अच्छा, ये देखो भाई स्टिचिंग का काम हो रहा है यहाँ पे, और इधर भी स्टिचिंग ही है क्या ये भी? अच्छा अच्छा, टी शर्ट बनाई जा रही भाई। अच्छा, इधर क्या हो रहा भाई? आप भी टी शर्ट ही बना रहे भाई? यहाँ पे क्या हो रहा जी? ये कॉलर की कटिंग हो रही है सर। अच्छा, कॉलर की कटिंग हो रही भाई, देखो यहाँ पे कॉलर की कटिंग होती है, ये इस तरह से कॉलर तैयार किए जाते हैं। ठीक। और यहाँ पे अच्छा टी शर्ट, आपको कोई भी टी शर्ट पे प्रिंट करना हो, नाम वगैरह प्रिंट कराना है, तो हम इस मशीन से जो है प्रिंट करते हैं। ये देखिए प्रिंटिंग मशीन है भाई, कोई भी प्रिंट लगाना होता है टी शर्ट पे तो यहाँ पे इस तरह से बताएंगे अब, जो देखो कैसे होगा। ये देखिए इसमें रखा मशीन के अंदर, और अब ये प्रिंट तैयार हो जाएगा। जैसे इसको खोलते हैं तो ये देख सकते हैं भाई, ये हो गया प्रिंट तैयार। तो देखिए कितना सुंदर जो है प्रिंट बन के आया है, ये देखो, और प्रिंट बिल्कुल पक्का होता है यहाँ का भाई, छूटेगा तो नहीं ना ये? नहीं नहीं, ये पक्का प्रिंट है, ये सब्लिमेशन टाइप होता है। ये क्या हुआ कि कपड़े के अंदर ही हाँ, ये यानी कि ऊपर नहीं लगा हुआ है, ये ऐसा प्रिंट होता है, ये देखो ये कपड़े के अंदर ही जैसे रम जाता है ना, तो इस तरह से प्रिंट होता है ये। आप नाम नंबर प्रिंट करा सकते हो, सभी खिलाड़ियों के जो है नाम नंबर प्रिंट हो जाएंगे। हाँ हाँ। ये JPL क्या है, JPL एक संस्था है जो टूर्नामेंट करा रही है। अच्छा। 2024। हाँ हाँ। ये उनका लोगो प्रोवाइड हो जाएगा, तो लोगो लगा अपना लोगो होता है, वो लोगो भी आएगा, नेम आएगा, ठीक है, जो भी प्रिंट इसमें कराना है। तो प्रिंट बहुत अच्छा है भाई यहाँ का, मुझे प्रिंट बहुत शानदार लगा। कितने किस किस टाइप का कपड़ा जिसमें आप बनाते हैं लोअर टी शर्ट वगैरह? हमारे यहाँ पे NS लाइक्रा मिल जाएगा, ज्यूरिक लाइक्रा मिल जाएगा, आपका PMC मिल जाएगा, ट्रैफिक .9 मिल जाएगा, जगाड़ मिल जाएगा। हाँ। काफी वैरायटी की हम जो है टी शर्ट सब्लिमेशन करके प्रिंट करके, यानी कि आपको जिस भी कपड़े में टी शर्ट बनवानी है तो उसी कपड़े में यहाँ पे सुविधाएं मिल जाएगी, कपड़े की सुविधाएं हैं। हाँ। रेट भी रीजनेबल है, आप ये जो प्रिंट करके आप जो टी शर्ट है ये आपकी 200 से लेके 350 तक जाएगी। प्लेन टी शर्ट यहाँ पे भाई 70 रुपीज में आपको मिल जाएगी, एक लोगो लगा के देंगे उसमें, एक लोगो प्रिंट करके देंगे, 70 रुपीज से लेके 350 तक जो है, 350 तक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये कबड्डी किट है, ये आपको 180 से लेके और 300 तक आप जो है प्रोवाइड हो जाएगी। ये सब्लिमेशन है। अच्छा अच्छा। अगर आपको बाजू भी सब्लिमेशन कराएंगे तो इसकी 60 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, 60 रुपए। तो इसमें वही सारे कलर मिल जाएंगे, आप 4 कलर जो भी आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सभी कलर अवेलेबल हैं, और अपना जो है इस तरह से आप लोगों भी यहाँ पे लगवा सकते हैं, ठीक है। ये स्कूल का नेम आ जाता है पीछे, देखिएगा ये स्कूल का नेम जो है, इसमें इस तरह से यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हैं। मात्र 350 रुपीज सुपर पॉली ट्रैक सूट यहाँ पे आप जो है ऑर्डर दे सकते हैं। तो सिंगल पीस तो आप नहीं बनाते होंगे? नहीं, सिंगल पीस नहीं बनाते हैं। तो कितने तक का ऑर्डर, कम से कम जो मिनिमम ऑर्डर होता है वो कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? कम से कम मिनिमम ऑर्डर आपका 50 पीस होना चाहिए। 50? हाँ। 10 अगर पीस कोई ऑर्डर दे तो नहीं बनाएंगे, ट्रैक सूट में नहीं बनाएंगे, आपको टी शर्ट। अच्छा, स्कूल के ऑर्डर 300 से स्टार्ट हो जाएंगे।
ट्रैक सूट के 300 से लेके 450 तक लास्ट हो जाएगा। देखिए भाई भगत सिंह का फोटो कितना शानदार लग रहा है, ये देखिए आप किसी का भी फोटो लगा सकते हैं। ये देखो भाई बड़ा सुंदर लग रहा है पर्सनली मुझे आपके नाम, और ये बैक साइड देखिए भाई नाम किसी का लिखा हुआ है। ओके किसी भी डिजाइन में आपको तो देखिए भाई कितने तरह के डिजाइन है अलग अलग प्रिंट में जो है यहाँ पे तैयार किए जाते हैं, तो आप भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें, अंकुर जी का नंबर मैंने आपको दे दिया है, तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो कटिंग का काम होता है भाई वो होता है ऊपर, ये देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ पे कितना ढेर लगा हुआ है भाई कपड़ों का। तो ये नज़ारा जो मैं दिखा रहा हूँ ऊपर का, यहाँ पे इनके पास सभी तरह का कपड़ा है, तो ये ऊपर जो है सभी कपड़े रहते हैं और यहाँ पे कटिंग होता है। ये देखिए मास्टर की मेज, ये है मास्टर की, यहाँ पे मेज है इनकी और यहाँ पे कटिंग किया जाता है। और ये कपड़े आप देख सकते हैं भाई, हर तरह के कपड़े आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सभी कपड़ों के बंडल पड़े हुए हैं यहाँ पे, जकार्ड बोलते हैं जिसको। अभी आपको हमने सप्लीमेशन की टी शर्ट दिखाई थी, ये PMC ड्राई फिट, ये सुपर पोली वगैरह हैं, ये ऑफ वाइट है, ऑफ वाइट क्रिकेट की किट यूज करते हैं ना हम, उसको क्राउन नेट का लोअर चलता है उसमें, और ये PMC की टी शर्ट चलती है। ये रास्ता जो है मेरठ से दिल्ली जाता है, ये इधर मेरठ से, और ये ऊपर देख सकते हैं मेट्रो का निर्माण चल ही रहा है, आपको सभी को पता ही होगा मेरठ में मेट्रो है। तो मेट्रो ये रास्ता देख लीजिए, मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगा फैक्ट्री का। ये शिव मंदिर, श्री शिव शक्ति मंदिर है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए श्री शिव शक्ति मंदिर। तो इसके ठीक सामने रोड जाती है, ठीक है, चलिए रोड दिखाता हूँ। तो भाई शताब्दी नगर में जब आप रिठाणी आ जाते हैं, मेरठ से रिठाणी आएंगे, टाटा मोटर्स के बराबर से रास्ता जाता है, ये देखिएगा रास्ता। चलिए मैं आपको पूरा रास्ता दिखा देता हूँ वहाँ का।